वेलकम। आज हम देखेंगे मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम कैसे की जाती है। तो बेसिकली मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम के लिए हमें कुछ रिक्वायरमेंट होगी, तो हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक पार्ट में हम क्या करेंगे, आपके जितने भी मटेरियल इनपुट होगा, मतलब सोर्स से लेके सिंक तक, वो हम देखेंगे। तो उसके पहले हम डिसाइड करेंगे कि मशीन कितने लेंगे। तो हम इसमें यूज़ करेंगे 3 प्रोसेसर और एक सोर्स, फिर एक क्यू, उसके बाद में आपका मटेरियल हैंडलिंग का एक AGV पाथ, और उसके बाद में आएगा आपका आउटपुट। तो चलते हैं, और हम बेसिकली यूज़ करेंगे 3 शिफ्ट के लिए। तो मैं स्टार्ट करूँगा न्यू मॉडल से, और मुझे टाइम यूनिट चाहिए मिनट में, तो हम चेंज करेंगे मिनट। ओके, फिर इसको हम थोड़ा सा व्यू चेंज कर लेंगे, टॉप व्यू हो गया। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे सोर्स लेंगे, सोर्स यहाँ पे दिया, फिर प्रोसेसर एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, 3 प्रोसेसर। उसके बाद में हमें चाहिए क्यू, तो हमने यहाँ पे क्यू का अरेंजमेंट किया। उसके बाद में मैं यहाँ पे सिंक ले लेता हूँ, पहले सिंक में यहाँ पे दे दूँगा, ठीक है। तो पहले इसको मैं अरेंजमेंट कर लेता हूँ। यह है पहला पार्ट आपका, एक प्रोसेसर यहाँ पे, एक सेंटर पे और एक यहाँ पे। तो हमने ये 3 प्रोसेसर अरेंज कर लिए, और क्यू जाएगा हमारे यहाँ पे सेंटर पे, ठीक है, ये हो गया। तो ये है बेसिकली, ये आपका होगा मशीन ग्रुप, ये होगा आपका फैक्ट्री लेआउट। तो इसमें आपको क्या करना होगा, इस मशीन ग्रुप के बाहर आपका मटेरियल क्यू से लेके सिंक तक जाना चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक पाथ डिसाइड करेंगे, और उस मटेरियल हैंडलिंग के लिए हम एक टास्क, जो भी आपका टास्क होगा उसके लिए एक एग्जीक्यूटर हम अपॉइंट करेंगे। तो पहले हम यहाँ पे पाथ डिसाइड कर लेंगे। तो मान लेते हैं कि पाथ यहाँ पे रेक्टेंगुलर शेप होगा, तो हम जाएंगे क्लिक करो AGV पे, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम गए AGV पे, AGV को यहाँ पे क्लिक करो, ठीक है। AGV को क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आएगा आपका स्ट्रेट पाथ, तो स्ट्रेट पाथ को क्लिक करो, क्लिक, ठीक है। तो मैं यहाँ से यहाँ तक जाऊँगा, फिर यहाँ से यहाँ तक। देखो एक बात ये देख लो कि आपका ये जो एरो है, वो एरो आपका फ्लो में आना चाहिए, नहीं तो आपको चेंज करना पड़ेगा रिवर्स डायरेक्शन में, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। हमने एक शेप बना लिया, यहाँ पे हमने बोला था रेक्टेंगुलर, यहाँ पे स्क्वायर ले लिया मैंने, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। फिर हम इसको ज्वाइन करेंगे, तो हम जाएंगे जॉइंट पे, जॉइंट पाथ यहाँ पे है, देखो देखो यहाँ पे इस वाले पे, ठीक है। इसको क्लिक करो, क्लिक किया, फिर यहाँ से क्लिक करके इसको, फिर सेकंड, फिर इस लाइन को क्लिक करेंगे, और फिर इस लाइन को, ठीक है। तो एक बार देख लेते, देखो यहाँ पे पाथ आपको डिसाइड किया है, ये एरो सिमिलरली एरो, उसके बाद में एरो। कभी कभी क्या होता है, आप पहले सपोज ये लाइन निकाल लेते हो, फिर ये लाइन, फिर यहाँ पे जाओगे, तो क्या होगा, ये कभी कभी ऐसे डायरेक्शन में मिलेगा आपको, तो आपको डायरेक्शन एक बार चेक करनी पड़ेगी कि डायरेक्शन सही है कि नहीं। तो ये जा रहा है आपका टूवर्ड द राइट साइड या अपवर्ड, फिर यहाँ पे ये आपको चेंज करनी पड़ेगी, ये है आपके टूवर्ड दी लेफ्ट साइड, तो हमको यहाँ पे चेंज करनी पड़ेगी। क्लिक करो, यहाँ पे आपका क्विक प्रॉपर्टीज ओपन होगा, इस यहाँ से आप चेंज कर सकते हो स्विच डायरेक्शन से, अगर आपका आता है तो, ठीक है। तो ये पाथ बराबर है, यहाँ से यारो, तो ये होगा आपका पूरा AGV पाथ। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे पहले कनेक्शन। तो हम जाएंगे यहाँ पे कनेक्शन में, क्लिक करो कनेक्ट ऑब्जेक्ट, सोर्स से लेके प्रोसेसर तक, प्रोसेसर से लेके क्यू तक, ठीक है। फिर ए प्रेस करो, सोर्स से लेके प्रोसेसर, प्रोसेसर लेके क्यू तक, सेम प्रोसेस करेंगे हम तीसरे के लिए, ये हो गया। और क्यू से लेके हम जाएंगे सिंक तक, ठीक है।
यही बेसिक अरेंजमेंट था आपका, ठीक है। तो अरेंजमेंट हो गया आपकी, मॉडलिंग हो गया आपका। अब हम करेंगे टास्क एग्जीक्यूटर, ठीक है। तो हम जाएंगे यहाँ पे ऊपर, ठीक है। यहाँ पे जाने के बाद जो टास्क एग्जीक्यूटर में जाएंगे, यहाँ पे टास्क एग्जीक्यूटर है, इसको क्लिक करो, यहाँ पे लेके आओ। यहाँ पे मैंने रख दिया, थोड़ा स्किप कर लेता हूँ, इसको जूम कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे कर लिया। अब क्या होगा, टास्क एग्जीक्यूटर के लिए आपको रिक्वायरमेंट होगी कंट्रोल पॉइंट की। जो भी आपका कंट्रोल पॉइंट होगा आपको वो देना पड़ेगा। तो आप कंट्रोल पॉइंट पहले डिसाइड कर लो। मान लेता हूँ कि यहाँ पे कंट्रोल पॉइंट है और दूसरा यहाँ पे, मतलब कंट्रोल पॉइंट इसलिए कि टास्क एग्जीक्यूटर जब भी आपका यहाँ पे आएगा तो कंट्रोल पॉइंट से स्टार्ट करेगा। तो कंट्रोल पॉइंट हमेशा नज़दीक आप क्यू के वन के पास ही रखो। यहाँ से अगर मैंने रखा कंट्रोल पॉइंट, तो यहाँ से वो ट्रैवल करेगा। अभी डायरेक्शन आपकी है अपवर्ड साइड, तो ये मूव करेगा यहाँ से यहाँ तक। फिर यहाँ पे मैंने मान लेते कि यहाँ पे मैंने कंट्रोल पॉइंट दिया, तो यहाँ पे जाके रुकेगा। तो यहाँ से क्या करेगा, जितने भी आपके मैन्युफैक्चरिंग पार्ट है यहाँ पे लोड करेगा, यहाँ पे अनलोड करेगा, वापस ये रूट आपका फॉलो करेगा, फिर आप वापस यहाँ पे आएगा। तो मैं यहाँ पे देता हूँ पहले कंट्रोल पॉइंट, क्लिक करो, एक कंट्रोल पॉइंट यहाँ पे और एक कंट्रोल पॉइंट यहाँ पे, ठीक है, दे दिया मैंने। कभी कभी क्या होता है, ये कंट्रोल पॉइंट साइड में आ जाता है क्लिक करते हो, तो आपको ध्यान में रखना है कि ये कंट्रोल पॉइंट हमेशा आपके एजीवी पाथ पे आना चाहिए, ठीक है। ये होगा कंट्रोल पॉइंट। अब जाएंगे हम सेंटर पोर्ट कनेक्शन की तरफ, तो आपको सेंटर पोर्ट कनेक्शन देना पड़ेगा। तो हम जाएंगे यहाँ से सेंटर पोर्ट कनेक्शन, यहाँ से यहाँ तक हो गया। फिर हम करेंगे इसको ऑब्जेक्ट कनेक्ट, कहाँ से लेके कहाँ तक, यहाँ से ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्लेस करना है, हो गया, ठीक है। और यहाँ से लेके यहाँ तक जाओ, जैसे यहाँ तक आप क्लिक करोगे आपको एक ऑप्शन मिलेगा, दो ऑप्शन, एक होगा ट्रैवलर एजीवी और दूसरा होगा लोकेशन। तो मैं क्लिक करूँगा ट्रैवलर एजीवी पे। क्लिक करने के बाद में आपका यहाँ पे रेड कलर का कनेक्शन दिखाई देगा, इसका मतलब क्या है कि इसने आपका ये पॉइंट मार्क कर लिया। तो यहाँ पे आप रिसेट करो, देखो रिसेट करने के बाद में ये आपके कंट्रोल पॉइंट वन पे जाएगा, ठीक है, हो गया। अब आपको देना है प्रॉपर्टीज़, जो जो आपका पैरामीटर्स है। तो मैं जाऊँगा पहले सोर्स पे, सोर्स पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे जाऊँगा मैं, अराइवल टाइम 0 है और यहाँ पे इंटरवल टाइम 10 है, मतलब दो पार्ट के बीच में 10 मिनट का टाइम होगा। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ 2.5 का, ओके। फिर उसके बाद मैं जाऊँगा प्रोसेसर 1 पे। यहाँ पे मैं कोई भी ऑपरेटर यूज़ नहीं करूँगा, सिर्फ आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि मटेरियल हैंडलिंग होती कैसे। तो ठीक है, सेटअप प्रोसेस टाइम, इसका टाइम होगा आपका 5 मिनट। फिर इसको मैं बोलूँगा ओके। सिमिलरली प्रोसेसर 2, मान लेते कि इसका भी टाइम 5:30 है, मतलब 5:30 मिनट, 5.5 मिनट, ओके करूँगा। और प्रोसेसर 3 पे जाऊँगा, इसका टाइम है 5 मिनट, ठीक है, ओके। तो ये सोर्स का टाइम हो गया, प्रोसेसर का टाइम हो गया, प्रोसेसर का पैरामीटर हो गया। अभी जाऊँगा मैं क्यू पर, तो Q1 को डबल क्लिक करो। करने के बाद में यहाँ पे पूछ रहा है कि क्यू में कौन कौन सा चाहिए, तो मैं यूज़ करूँगा परफॉर्म बैचिंग। हाँ, मुझे चाहिए बैचिंग, मिनिमम वो 5 की बैच करेगा, फिर उसके बाद वो एजीवी ट्रैवल करेगा, ठीक है। यहाँ पे बोलूँगा फ्लश कंटेंट बिटवीन बैचेस, ठीक है, ओके कर दूँगा। फिर यहाँ पे जाऊँगा अप्लाई और ओके। अभी अप्लाई और ओके किया, इसके बाद में मैं जाऊँगा पहले आपके टास्क एग्जीक्यूटर पे। वहाँ पे जाने के बाद में लोड टाइम अनलोड टाइम मैंने 0-0 दिया, आप तो ले सकते हो 1 मिनट 2 मिनट, जो भी आपका टाइम होगा वो, ठीक है। यहाँ पे मैं 0 ही रखूँगा। फिर यहाँ पे चेक करूँगा सब ठीक है, ओके। यहाँ पे मैं कैपेसिटी दे रहा हूँ, एक टाइम पे 5 कैरी करेगा, और मैक्सिमम स्पीड दे दूँगा मैं उसका 60, ठीक है। और एक्सेलरेशन 3600 आपका जो भी होगा, एक्सेलरेशन डीएक्सेलरेशन, मैक्सिमम स्पीड आपका रहेगा, ये आपको चूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे दिया, फिर आप जाओ।
अप्लाई पे अप्लाई करो, ओके करो, ठीक है, हो गया। अब इसके बाद में आपको चूज़ करना पड़ेगा कि इसके लिए कोई आपको ट्रेलर वगैरह चाहिए क्या। तो मैं यूज़ करूँगा, ट्रेलर चाहिए हाँ, तो उसके लिए मैं यहाँ पे इस पाथ पे मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे देखो एक ऑप्शन ओपन हो जाता है, ठीक है, दिखाता हूँ। आप देखो क्विक प्रॉपर्टीज़ में यहाँ पे आ रहा है आपका नेटवर्क प्रॉपर्टीज़, ठीक है, तो मैं इसको क्लिक करूँगा। फिर ये क्लिक करने के बाद में आपकी एक विंडोज़ ओपन हो जाएगी AGV नेटवर्क नाम से। उसमें जाने के बाद में आपको ये यहाँ पे कभी कई बार वन होता है, एम्प्टी लोडेड वन वन, एक्सलरेशन यहाँ पे भी वन वन होगा, तो आपको ये चेंज करना पड़ेगा। मैंने क्या किया है कि उसका स्पीड जो भी होगा वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। तो मैंने एक्सलरेशन दिया था 3600, सिमिलरली लोडेड और एम्प्टी के लिए दोनों के लिए सेम ही दिया था मैंने। मैं अब जाऊँगा फॉरवर्ड स्पीड में। अगर फॉरवर्ड स्पीड में यहाँ पे मान लेता हूँ कर्व की जगह पे स्पीड थोड़ा मेरा कम है, तो मैं यहाँ पे देता हूँ 45 मीटर पर जो भी सेकंड होगा आपका टाइम वो भी, ठीक है, तो 45। और यहाँ पे मैं वापस सेम टाइम दे देता हूँ। आपको जो भी चेंज करना है प्रॉपर्टी आप चेंज कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये सब होने के बाद में यहाँ पे जाओ इस ऑप्शन पे, ठीक है, इसको जूम करता हूँ मैं। यहाँ पे देखो यहाँ पे अटैच लोड एज ए ट्रेलर, इसको क्लिक करूँगा, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में अप्लाई और ओके, अब ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, सोर्स से लेके जितने भी पार्ट निकलेंगे वो पहले मैन्युफैक्चर होंगे, फिर क्यू में जाएंगे। क्यू में जाने के बाद मैंने क्या किया, क्यू से लेके यहाँ पे एक पॉइंट दिया मैंने कंट्रोल पॉइंट, वहाँ पे AGV रुका हुआ है। वो AGV क्या करेगा, यहाँ से ट्रैवल करेगा और यहाँ पे जाएगा, लेकिन यहाँ पे जाने के बाद में वो पार्ट यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगा या डिस्पैच नहीं करेगा। तो हम जाएंगे यहाँ पे और मैं जाऊँगा कनेक्शन पे, कनेक्शन को ए पे क्लिक करो और इस पॉइंट से लेके यहाँ तक कनेक्शन कर लिया मैंने, ठीक है, इसके प्रेस करो, ये हो गया, ठीक है। तो आपका पूरा प्रोसेस हो गया। अभी रिमेनिंग प्रोसेस है कि आपका टोटल टाइम कितना होगा। तो मैंने मिनट पे टाइम दिया था, स्टॉप टाइम होगा आपका 8 घंटे का एक शिफ्ट होता है, मतलब 3 शिफ्ट के लिए आपके टोटल टाइम होगा 24, और 24 ये हो गया आपका आवर्स। तो मैं कन्वर्ट करूँगा मिनट में, 24 × 60, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे मैं देखो 24 × कहाँ पे गया ये 60, यह आ रहा है आपका 1440 मिनट। तो हम ये टाइम यहाँ पे देंगे स्टॉप टाइम 1440 मिनट, हो गया, ठीक है। ये सब होने के बाद में अब मैं यहाँ पे रन करूँगा, ठीक है, एक पार्ट जा रहा है, सेकंड पार्ट यहाँ पे देखो बैचिंग हो रही है 5 की, लेकिन ये ट्रैवल नहीं कर रहा है। ओके, ये AGV यहाँ से मूवमेंट नहीं कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे एक बार, ये मूवमेंट नहीं कर रहा है, आपको ये देखना पड़ेगा। उसके लिए मैं एक बार, ठीक है, चेक करता हूँ, ठीक है। तो चेक करेंगे हम प्रॉब्लम क्या है, पार्ट तो यहाँ से आ रहे हैं लेकिन मूवमेंट नहीं हो रही, टास्क एग्जीक्यूटर मतलब ये पिक्स और प्लेस नहीं कर रहा, तो हम रिसेट कर लेंगे और Q1 को हम ओपन कर लेंगे। तो क्यू में हमने पार्ट तो दिए, परफॉर्म बैचिंग, ओके, फ्लो में जाएंगे हम और यहाँ पे यूज ट्रांसपोर्ट, इसको हम क्लिक करेंगे, इसको क्लिक किया और अप्लाई और ओके, ठीक है, फिर रिसेट, फिर रन, ठीक है। थोड़ा स्लो में दिखा देता हमें, यहाँ पे देखो बैचिंग हो रही है 3, ये पार्ट यहाँ से 4, थोड़ा स्पीड, ठीक है, देखो।
देखो ये वापस पार्ट जा रहा है। तो यहाँ पे बैचिंग हो रही है। तो यही आपका मेथड कि मटेरियल हैंडलिंग कैसे यूज़ करेंगे। देखो तो ये आपका सेटअप, ये है आपका पूरा वर्किंग ग्रुप, मतलब ये होगा आपका मशीनिंग, ये होगा आपका स्टेशन, यहाँ से ये पहला कंट्रोल पॉइंट, मतलब ये पिकअप पॉइंट और ये प्लेस, ये पिक और प्लेस का सिस्टम है, ये AGV और ये हो जाएगा आपका AGV पाथ। तो आपको यही चेक करना है, यही देखना है। अब हम देखेंगे कि टोटल कैपेसिटी कितनी है इसकी और प्रोसेस कैसे कैसे कितना परसेंट किया है इसने। तो हम जाएंगे शो नेम एंड स्टैटिस्टिक में, तो हम थोड़ा स्पीड बढ़ा लेंगे और ठीक है। तो तीन शिफ्ट में इसने कितने आउटपुट दिए, 517, और यहाँ पे कितने गए, 515, मतलब दो यहाँ पे इन प्रोसेस में, वर्किंग प्रोसेस में। तो यही आपका मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम। अगर आप या इसका वर्किंग प्रोग्रेस या पी चार्ट वगैरह कोई जो पाई चार्ट वगैरह देखना चाहते हो तो जाओ डैशबोर्ड में, ऐड डैशबोर्ड करो, यहाँ पे डबल क्लिक करो और यहाँ पे जाओ आप चार्ट, चार्ट में जाने के बाद में ऑप्शन है पाई चार्ट, क्लिक करो, एक ही क्लिक करो, डबल क्लिक कर दिया मैंने। फिर इसके बाद में जाने के बाद यहाँ पे मैं ले लेता हूँ डेटा सोर्सेस, ठीक है, तो ऐड करो, सॉरी थोड़ा पीछे जाएंगे हम, डेटा क्यों नहीं ले रही है, बाय टाइटल डेटा, सॉरी ओके तो सॉरी ये गलती से पी चार्ट हो गए, इसको हम डिलीट करेंगे। स्टैटिस्टिक लेंगे हम जाएंगे यहाँ पे स्टेट टेम्पलेट्स, देखो यहाँ पे तो हम ले लेंगे कंपोजिट, आप सॉरी गलती से दूसरा हो गया, डबल क्लिक करो, यहाँ पे जाओ स्टेट, ये वाला चार्ट, ठीक है पे चार्ट, यहाँ पे ले लेंगे आप ऑब्जेक्ट, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट में ले लेते हो पूरे ऑब्जेक्ट, एक कंट्रोल प्रेस करके रखो, सब ले लो, सेलेक्ट सेलेक्ट किए, यहाँ पे अप्लाई करो, ओके करो। जैसे अप्लाई करोगे यहाँ पे आपको ब्लैंक आएगा, तो पहले रिसेट करो फिर रन करो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको उसका पूरा स्टेट मिल जाएगा। तो सोर्स 189% वर्क कर रहे हैं, प्रोसेसर 1, प्रोसेसर 2, प्रोसेसर 3, उसके बाद में क्यू सिंक और टास्क एग्जीक्यूटर, यहाँ पे आपको पूरा दिया है कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका एक चार्ट। उसके बाद में सेकंड है यहाँ पे गैंट चार्ट, सेम सेलेक्ट ऑब्जेक्ट सब ले लेंगे हम, पहले सोर्स, प्रोसेसर, क्यू, सिंक, एग्जीक्यूटर सेलेक्ट, यहाँ पे सब क्लिक करो, ओके, फिर यहाँ पे रिसेट, फिर वही प्रोसेस सेम, देखो यहाँ पे आपका जो टाइम के हिसाब से टाइम इसमें जो चल रहा है उसके हिसाब से ये वर्क करेगा कि 9 बजे से अगर स्टार्ट किया तो कब तक कितना हो जाएगा। एमटी मतलब ये ऑरेंज कलर, जनरेटिंग मतलब सोर्स वन मतलब जनरेटिंग, ट्रैवल एमटी, फिर ब्लॉक, आपको सब यहाँ पे गिवन में दिखाई जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका गैंट चार्ट। अगर आप चाहते हो सिर्फ प्रोसेसर दिखा,
डबल क्लिक करो तो यहाँ पे वो एवरेज वर्किंग प्रोसेस टाइम आएगा। सेम प्रोसेस यहाँ पे ले लेते हैं, एग्जीक्यूटर प्रोसेसर सोर्स क्यू जो भी आपका होगा वो सिलेक्ट, देन अप्लाई ओके, यहाँ पे जाओ रिसेट रन करो। ठीक है, यह आपका दिखाएगा कि सोर्स वन कितना परसेंट वर्क कर रहा है, वर्किंग प्रोसेस में कितने थे, प्रोसेसर 1, 2, 3 76% 60% यही कुछ। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो। ठीक है, थैंक यू।